अरे आम। हाँ भैया आम। तुमने कभी आम देखे नहीं है क्या? कितना चिल्लाती हूँ आम देख के। खाते हैं ना भैया, खाते हैं। हाँ हाँ हाँ। मेरी बेइज्जती कराती हूँ हर जगह। तुम्हें खरीदने हैं खाने हैं? खाने हैं। मतलब खाके तो खरीदेंगे ना। हाँ। देखो सुनो, मेरे पास बहुत ज्यादा पैसे नहीं है, तो इसीलिए ना एक या दो आम ही अफोर्ड कर सकते हैं। अरे कौन पैसों की बात कर रहा है, पुरानी चाल भूल गए अपनी। देखो तुम यहाँ पर वो सब मत करना, यहाँ पकड़े गए तो बहुत बेइज्जती होगी। हाँ अरे यहाँ पर तो कोई भी नहीं है, यहाँ पर पकड़े जाएंगे तो कुछ भी नहीं होगा। चलो चलो, आम देख के मुँह में पानी आ जाता है। मैं तो ये वाले खाऊंगी। अरे आपको आम खाने हैं खरीदने? भैया टेस्ट कराओ तभी तो खरीदेंगे। वो वाला टेस्ट कराओ, बड़ा वाला। ये वाला? इसके पीछे वाला। ये वाला? अरे इसके पीछे वाला, दिखता नहीं है। लो। हाँ तुम्हें आम जब खाना नहीं है तो इतना बड़ा वाला क्यों निकलवाया है? अरे खाना ही तो है। What? आप भी छांट लो आपको कौन सा खाना है। भैया मुझे वो वाला देना। ये? हाँ लो। आपका तो मुझसे ज्यादा बड़ा लग रहा है। टेस्टी भी लग रहा है। भैया आप वो पानी की बोतल रखी ना, उसको निकाल दो। हम ना बहुत हाइजीन मेंटेन करके रखते हैं, तो इसको धोकर फिर चाकू से फिर एक पीस खाएंगे, तब जाकर डिसाइड करेंगे कि हमें लेना नहीं लेना। वैसे तो हम लेंगे, कम से कम 20 किलो लेंगे, क्योंकि हमारे तो थैली पर भी नहीं है उसके। अरे यार हमारे मेंबर ज्यादा, ये बोलना पड़ता है। Okay. है ना, हमारे घर में ना मेंबर बहुत ज्यादा है, तो हमें आम बहुत ज्यादा चाहिए होंगे। अरे ठीक है, टेस्ट करने तो कर लो, लेकिन 20 किलो से कम मत लेना। नहीं नहीं कैसी बातें कर रहे हो, हम पिछली दुकान से वो जो रेडी वाला उधर दिख रहा है ना आपको दूर, उससे हम 25-30 किलो लेके जाते हैं। लेकिन वो तो मूंगफली बेच रहा है। अरे अरे यार लो, धो लो, धो लो, इधर आ जाओ, साइड में आ जाओ। लगता है दोनों फिर से आज बेइज्जती करेंगी, मैं तो निकल लेता हूँ। अरे 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 भाई सुनो, एक काम करता हूँ, मुझे ना किराने की दुकान से कुछ सामान लेना है, तुम उन दोनों को आम दे देना। हाँ हाँ दे दूंगा, वो तुम्हारी जानकार भी है ऐसी है। अरे नहीं नहीं, वो मेरी बीवी है, उसके साथ में मेरी बहन है, तो आप टेंशन मत लो। हाँ मैं सामने से कुछ सामान खरीद रहा हूँ, बता देना उनको कि मैं गया हूँ। अरे कैसा भाई और पति है। अच्छा आम मिल गया ना। हाँ, अरे इसको धोते हैं और वहीं पर खाएंगे। ठीक है। अरे क्या हो गया, पैसे छीटे कर दिया आपने। ये लो अपना आम, अपने हाथ से धो। धो लूंगी मैं। सर ये पेट भी भर जाएगा, घर जाके मुझे कुछ नहीं बनाना पड़ेगा। कितनी अच्छी खुशबू आ रही है, ऐसा लग रहा है अभी भी बागीचे से तोड़े हैं। सच में। पानी भी लेती हूँ। पी लो पी लो। चलो भैया चाकू काटने के लिए लो, चाकू ले लो, इनके पास तो सब है। मीठे तो होंगे ना, खाकर देखो पता चल जाएगा। ऐसा दिखने से तो लग नहीं रहा है, लेकिन खा लेते हैं। जल्दी काटो ना, मेरा मन कर रहा है। हाँ जूसी है ये तो। ये लो अपना भी काटो। हाँ कितना टेस्टी दिख रहा है। ये दोनों क्या बड़बड़ा रही हैं? कैसा है? बहुत मीठा। चीनी जैसा है। अरे अपने आप ही बात करती रहोगी, मेरे को भी बताओगे क्या हुआ? कुछ नहीं भैया, थोड़ा सा खट्टा है आम, देख रहे नहीं मेरी आँख बंद हो रही है। एक काम करो, इसको तो हम वेस्ट नहीं करेंगे, इसको तो हम खा ही लेंगे। आप हमें वो दशहरी आम खिलाओ, वो हमें टेस्ट करना है। ठीक है कराता हूँ दशहरी टेस्ट, रुक जाओ। अरे दशहरी से याद आया, वो हमारे साथ मेरे पति आए थे, वो कहाँ चले गए? सामान लेना था उनको कुछ, तो वो चले गए, बोल रहे थे कि वो आम खा कर आएंगे, ले जाएंगे अपना सामान जो भी। अरे अच्छा है चले गए, वरना हमें मना करते ये सब करने के लिए ना। चुप रहो। अरे यार हमें जानबूझ के छोड़ के गए, ताकि अगर हमें मार पड़े तो वो ना हो। हमें क्यों मार पड़ेगी, हम कितने प्रो हैं इसमें। A few moments later. एक बात बताओ, ये वाला जो आम है हमने जो लास्ट खाया, ये कितने रुपए किलो है? 80 रुपए किलो है। हाय दैया 80 रुपए, इन्होंने तो हद खत्म कर दी आम बेचने की। आपने इतने सारे खा लिए मेरे आम, पैसे दो। अब खाए कौन से पैसे, और वैसे भी आपकी दुकान से जो भी आम लेता है पहले टेस्ट करता है, उसके बाद ही तो खरीदता है। हमने भी वही किया है। तो इतने सारे टेस्ट करता है वो, हमें पसंद नहीं आया तो हम क्या करें? अच्छा भी नहीं लग रहा है, पहले देखने वाली हूँ उसको। और ये देखो ये जो कटा हुआ, ये मैं ही ले जाती हूँ, वरना यहाँ पर मक्खियाँ लग जाएंगी, फिर खराब हो जाएगा। चलो दीदी कल आएंगे, अच्छे आम लेकर आना, तभी खरीदेंगे कल हम। बेकार था। चलो। अरे कितनी बदतमीज है, मेरे को तो लूट कर ले गई। आज तो चांदी चांदी होगी, मुझे आधा आम मिल गया, पूरे रास्ते खाती हुई जाऊंगी और आपके भैया को भी खिला दूंगी थोड़ा। आधा आम मिला है मुझे तो, पूरा मिला है। अरे पूरा, लेकिन आपको ये कहाँ से मिला पूरा आम? अरे जब वो आपको बोली ना था, आपको सुना रहा था, तो मैंने छुपा लिया था, उसने देखा भी नहीं। हमेशा मुझे क्यों नुकसान होता है और आपको क्यों फायदा होता है? सही है। चलो चलो चलो।